स्टाइल द अल्टीमेट कुकिंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खट्टी मीठी टेस्टी नमकीन की रेसिपी, जिसे मैंने बनाया है कॉर्नफ्लेक्स से। ये मेरे पास कुछ कॉर्नफ्लेक्स रखे थे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कॉर्नफ्लेक्स रखे होते हैं लेकिन बच्चे उनको नहीं खाते हैं, तो आज मैं उसी से ही आपके लिए इतनी टेस्टी और एकदम रिच फ्लेवर की नमकीन लेकर आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं उसके लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। और इस नमकीन को बनाना इतना आसान है, बहुत ही कम ऑयल में ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं 2 कप कॉर्नफ्लेक्स, ये 1 छोटा कप मूंगफली का, ये मैंने जो रायते में हम बूंदी यूज़ करते हैं 1 छोटा कप वो ले लिया है। ये मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, मैंने थोड़ा सा जो सूखे वाला गोला होता है उसको स्लाइस में कट कर लिया है। कुछ किशमिश, ये 2 बड़े चम्मच के करीब होंगी, और करीब 10-12 काजू जिसे मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है, और थोड़े से मैंने लिए हैं करी पत्ते। और जो भी मसाला मैं डालूंगी वो मैं आपको साथ के साथ बताते जाऊंगी, लेकिन सभी की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई को गैस पर रख लिया है और उसमें मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल की हमें ज़रूरत नहीं है इसके लिए। ये नमकीन दोस्तों बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है, इसे बनाने में कुछ भी झंझट नहीं है। आप नॉर्मल 2 चम्मच ऑयल और इसी कढ़ाई में इस नमकीन को बना लेंगे, वो भी मुश्किल से 5-7 मिनटों में। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है सबसे पहले हम फ्राई कर लेते हैं मूंगफलियाँ। आप गैस का फ्लेम मीडियम रखें, कभी भी मूंगफली को हाई फ्लेम पर ना फ्राई करें, क्योंकि हाई फ्लेम पर क्या होगा, ये ऊपर से जल जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रहेंगी, क्रिस्पी नहीं हो पाएंगी। तो मूंगफली को आप हमेशा गैस का फ्लेम लो टू मीडियम करके ही फ्राई करें। मूंगफली फ्राई होने में सबसे ज़्यादा टाइम लेती है, इसीलिए मैंने सबसे पहले मूंगफली को ही डाला है। जैसे ही ये फ्राई होने लगती हैं अंदर से भी तो चटकने लगती हैं। आप इन्हें लगातार चलाते हुए जब तक ये चटकने ना लगे तब तक फ्राई कर लें। देखिए हमारी मूंगफलियाँ थोड़ी थोड़ी चटकने लगी हैं, मूंगफलियों का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। अब आप इसमें डाल दें गोला, क्योंकि हम जो चीज़ें ज़्यादा टाइम लेती हैं सबसे पहले उसे डालेंगे और धीरे धीरे उसी रेशियो में हम चीज़ों को डालते जाएंगे फ्राई करने के लिए। अब हम गोला डाल देते हैं और इसी समय 2 कटी हुई हरी मिर्चें। ये हरी मिर्चें जब फ्राई हो जाती हैं और क्रिस्पी हो जाती हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और करी पत्ता, देखिए हमारा गोला भी थोड़ा थोड़ा फ्राई हो गया है। अब आप इसमें डाल दें काजू। किशमिश को आप सबसे लास्ट में डालें, क्योंकि किशमिश बहुत ही जल्दी जल जाती हैं। और काजू डालकर भी बस 1 मिनट भूनें। और इसके बाद हम डालेंगे अब कुछ मसाले। सबसे मैं पहले डाल रही हूँ 1 चम्मच काला नमक, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच आमचूर, 1/2 छोटी चम्मच गर्म मसाला। और इन मसालों को डालकर बस 1 मिनट तक भून लें आप, जिससे मसालों का थोड़ा सा कच्चापन खत्म हो जाए। देखिए हमने मसालों को भी 1 मिनट भून लिया है। अब इसमें डाल दें आप किशमिश और 2 चम्मच चीनी, 2 बड़े चम्मच चीनी, पिसी हुई चीनी ली है मैंने, और इसे भी डालकर मिक्स कर दें। बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा फ्लेवर इसमें आएगा आपकी नमकीन में। और अब इसी समय जो आपके पास कॉर्नफ्लेक्स हैं वो डाल दें। कॉर्नफ्लेक्स को डालकर अब बस गैस का फ्लेम आप बिल्कुल डिम कर दें और 2-3 मिनट इन्हें और क्रिस्पी होने तक भून लें, जिससे सारे मसालों का फ्लेवर भी हमारे कॉर्नफ्लेक्स में आ जाए। देखिए हमने 2 मिनट भून लिया है बिल्कुल लो गैस पर, और हमारे कॉर्नफ्लेक्स भी बहुत क्रिस्पी हो गए हैं। गैस का फ्लेम बंद कर दें और लास्ट में आप डाल दें रायते वाली बूंदी। लीजिए हमारी टेस्टी सी खट्टी मीठी नमकीन बनकर रेडी है। अब आप इसे कम्प्लीटली पहले ठंडा हो जाने दें और फिर आप इसे किसी कंटेनर में भरकर रख दें, और जब भी आपका मन चाहे आप इसे एंजॉय करें। लीजिए दोस्तों ड्राई फ्रूट से लोडेड हमारा खट्टा मीठा एकदम टेस्टी स्पाइसी सा मिक्सचर सब के लिए तैयार है। लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और अपना अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप भी बनाइए टेस्टी सा नमकीन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।